एयर इंडिया पे साइबर अटैक हुआ, ये तो आपने सुना ही होगा। साइबर अटैक की न्यूज़ काफ़ी कॉमन हो गई कुछ दिन पहले। कॉलोनियल पाइपलाइन जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए को गैस प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर साइबर अटैक हुआ था। अब एयर इंडिया के ऊपर हुआ, एक्चुअली में एयर इंडिया के ऊपर नहीं हुआ है, सीधे सीधे सीटा के ऊपर ही अटैक हुआ है। सीटा कौन है? तो सीटा इज़ बेसिकली जेनेवा बेस्ड पैसेंजर सिस्टम ऑपरेटर, और ये सर्व करती है स्टार एयरलाइंस को। स्टार एयरलाइंस में बहुत बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, सिंगापुर एयरलाइंस, लिफ्थांजा, यूनाइटेड एयरलाइंस, साथ साथ एयर इंडिया भी इसकी मेंबर है। सीटा एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, स्पेशलाइज करती है ये एयर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इस पर्टिकुलर कंपनी को 11 मेंबर एयरलाइंस ने मिलकर खोला था, लेकिन अब ये कंपनी 2500 कस्टमर्स को सर्व करती है 200 से ज़्यादा कंट्रीज में। किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है सीटा? तो ये पैसेंजर प्रोसेसिंग, रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब प्रोवाइड करती है। कुल मिला के देखिए, आज की डेट में ज़माना डिजिटाइजेशन का है। एक एयरलाइन किसी एक कंट्री में तो चलती नहीं, वो दुनिया भर की कंट्रीज़ में घूमती रहती है। तो एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डाटाबेस जहाँ पे सारी एयरलाइंस के बारे में जानकारी हो, तो इससे एयरलाइंस के जो काम है ना, वो आपस में बहुत आसानी से सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। एयर इंडिया को स्टार एयरलाइंस का मेंबर बनना था। स्टार एयरलाइंस का मेंबर बनने के लिए एयर इंडिया के सामने शर्त रखी गई कि आप अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करो। तो 2017 में एयर इंडिया ने डील की सीटा के साथ कि सीटा इसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करे, और इसके लिए ऑब्वियसली बात है सीटा को पेमेंट करेगी एयर इंडिया। तो डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम, चेक इन, ऑटोमेटेड बोर्डिंग कंट्रोल, बैगेज रिकंसिलेशन सिस्टम, फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, इस प्रकार की चीज़ों में सीटा एयर इंडिया को मदद करती है। तो अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस से किसी जगह से किसी फ्लाइट ले रहे हो, मान लो सिंगापुर से दुबई की फ्लाइट ले रहे हो, फिर दुबई से आप एयर इंडिया की फ्लाइट ले रहे हो मुंबई तक की, तो ऐसे केसेस में कोई भी एक स्टार एयरलाइंस का मेंबर काउंटर आपको दोनों के बोर्डिंग पास दे सकता है। इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं उन एयरलाइंस को जो कहीं ना कहीं स्टार एयरलाइंस का मेंबर होती हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जितने भी कस्टमर्स हैं सीटा नाम की कंपनी के, बहुत लोग यहाँ पे अफेक्ट हो गए। अगर बात की जाए तो एयर इंडिया कस्टमर डाटा के क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट्स और फ़ोन नंबर्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं पिछले 10 साल के। लगभग 45 लाख कस्टमर्स जो कि 26 अगस्त 2011 से लेके 3 फरवरी 2021 के बीच में एयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड थे, उन सब का डाटा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड का डाटा भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, बट उसमें डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल बेकार हो जाती है अगर CVV स्टोर ना हो। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो CVV स्टोर नहीं करते हैं, तो जब आप CVV स्टोर नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है जब तक CVV नहीं पता चले। CVV पता चल गया तो भाई सारे पैसे उड़ा देंगे आपके। इंडिया में तो चलो भाई OTP वेरिफिकेशन भी होता है, बट अगर आपका क्रेडिट कार्ड, मान लीजिए आप इंडिया में हो और आपका क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल यूजेज के लिए ओपन है, हालांकि नॉर्मल अगर केस में आप किसी भी बैंक का कार्ड लो तो आप फॉरेन ट्रिप करने वाले हो, तो आपको उस कार्ड की फॉरेन यूजेज को एक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो फॉरेन में वो क्रेडिट कार्ड आपका चलेगा नहीं। ठीक है, तो इंडिया में एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कि हाँ भाई OTP आ जाएगा आपके फ़ोन पे। चलिए खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये जो सीटा PSS है, ठीक है ना, पैसेंजर सर्विस सिस्टम, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और उसी के सर्वर पे एयर इंडिया के पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन थी, और इस सीटा के सर्वर पे साइबर अटैक हुआ है और वहाँ पे एयर इंडिया के पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं ब्रीच हो गई है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में भाई ये एक साइबर अटैक है, और साइबर अटैक्स आज की डेट में काफ़ी हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ साइबर क्रिमिनल्स एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क्स पे साइमल्टेनियसली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और कहीं ना कहीं उसमें कुछ करप्शन करके उसके ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं। मैलवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग, डेनियल ऑफ सर्विसेज, ये सब कहीं ना कहीं साइबर अटैक के फॉर्म्स है। ये जो ब्रीच है 26 अगस्त 2011 से लेकर 3 फरवरी 2021 तक के सारे डाटे यहाँ पे एयर इंडिया के कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। आगे बात करो, एयर इंडिया से रिपोर्ट ये बोलती है कि भाई देखिए ये अटैक हुआ है, लेकिन हमने इस अटैक के बाद बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि भाई जो कॉम्प्रोमाइज सर्वर्स थे हमने उनको सिक्योर किया है, एक्सटर्नल डाटा सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को हमने हायर करके बुलाया है, क्रेडिट कार्ड इशूअर्स को नोटिफाई किया है कि कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, एयर इंडिया फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स के जो यूज़र नेम, लॉगिन, पासवर्ड थे उनको बदलवा दिया है। ठीक है ना, एयर इंडिया ने बोला है कि अब तक ऐसा भी कोई भी एविडेंस नहीं आया है जिससे पता चले कि डाटा यहाँ पे मिसयूज़ हुआ है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं एयर इंडिया ने की, और एयर इंडिया ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी अपने सारे पैसेंजर्स के लिए कि भाई आप अपने अपने पासवर्ड बदल लो। आप क्रेडिट कार्ड का डाटा चला गया तो क्या हुआ, आपका CVV तो सेम है ना। तो कुल मिला के आप लोगों को एक सेकंड के लिए लगेगा कि यार ये साइबर अटैक वाले को क्या फ़ायदा हुआ,
तो हो सकता है कि साइबर अटैक वाले ने रैंसम मांगी हो, कुछ इस प्रकार का उनका मांगने का प्लान हो, या फिर इस डाटा को इकट्ठा करके वो किसी राइवल एयरलाइन कंपनी को बेच रहे हो ताकि वो राइवल एयरलाइन कंपनी इन लोगों का डाटा जान पाए ये पता करने के लिए कि यहाँ भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पैसेंजर्स कितना ट्रैवल करते हैं, तो उन पैसेंजर्स को कोई एक पर्टिकुलर टिकट बेची जा सके। तो इस प्रकार की बहुत सारी अलग अलग वजह हो सकती है इस प्रकार के साइबर अटैक की। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ज़्यादातर जो कस्टमर डाटा था वो अलग अलग एयरलाइंस का था, तो किसी एयरलाइन को इस प्रकार के डाटा की बहुत ज़रूरत होती है। देखिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है रेगुलरली, ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए सबसे ज़्यादा काम की हो सकती है? किसी पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए, क्योंकि एयरलाइन इस प्रकार के बिजनेस को मोनेटाइज कर सकती है। अब एक्चुअली में साइबर अटैकर्स ने ये अटैक क्यों किया इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, बट डाटा भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सीधे सीधे रैंसम का सवाल तो नहीं आया है कि कुछ भाई पैसा ऐसा मांगा गया हो सीटा से इस प्रकार के अटैक को रोकने के लिए, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार के डाटा भी मोनेटाइज किए जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। तब खास बात यहाँ पे ये है कि ये जो साइबर अटैक है ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम एक्टिविटी बढ़ गई है, सब लोग ऑनलाइन इन्वॉल्व हैं, साइबर फ्रॉड्स बहुत कॉमन हो रहे हैं। अगर आप देखो तो सरकारी रिपोर्ट बोलती हैं कि भाई ओवर 3.17 लाख साइबर क्राइम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द लास्ट 18 मंथ्स, पिछले 18 महीनों में 3 लाख से ज़्यादा 3.17 लाख साइबर क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ऊपर है इसमें कर्नाटका महाराष्ट्र। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की पाइपलाइन नेटवर्क कॉलोनियल पाइपलाइन पर अटैक हुआ था, ये तो मैंने अलग से वीडियो बना के आपको बताया था, उसके चलते जो US के गैस के और पेट्रोल के दाम है वो $3 प्रति गैलन के ऊपर चले गए थे। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी एक ऐसा ही अटैक हुआ है जहाँ पे COVID-19 की सिचुएशन को और फ़ायदा उठा के यूज़र्स को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पैसा निकालने की कोशिश। डोमिनोज इंडिया के ऊपर भी अटैक हुआ था जहाँ पे डोमिनोज इंडिया के सर्वर में जो कस्टमर्स हैं उनका ऑर्डर डिटेल्स और उनके कस्टमर के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सेव्ड हैं, तो ऐसे 10 लाख क्रेडिट कार्ड डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे और डोमिनोज इंडिया से 10 बिटकॉइंस की डिमांड की थी 13 TB ऑफ डाटा के लिए। हालांकि वो क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल हो पाने थोड़े कम मुश्किल हैं क्योंकि यहाँ पे भी CVV स्टोर नहीं होता, किसी भी ऑनलाइन किसी भी जेन्युइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कभी भी CVV स्टोर नहीं होता है। तो डिजिटल सर्विसेज के आने के साथ साथ इस प्रकार के जो साइबर अटैक्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। साइबर अटैक्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ये DDoS अटैक्स वाली वीडियो देख लीजिए जिसको आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटेड डेन्यूअल ऑफ सर्विस अटैक। साइबर अटैक एक प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड डेन्यूअल ऑफ सर्विस अटैक है जहाँ पे किसी दूसरे के कंप्यूटर में या तो आपको इनिशंस क्रिएट कर देते हो या उसके ऊपर इलीगल तरीके से कब्जा कर लेते हो और उसकी सर्विसेज को डिस्टर्ब कर देते हो। और इस प्रकार के एक्ट्स को रोकने के लिए इंडिया में एक टीम भी बनाई गई है, CERT-IN, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा अपडेट था, एयर इंडिया का अटैक, इनफैक्ट सीटा का अटैक है ये, एयर इंडिया का अटैक नहीं है। तो साइबर अटैक्स के एग्जांपल्स याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स के ऊपर, डोमिनोज इंडिया के ऊपर, कॉलोनियल पाइपलाइन के ऊपर, और अब ये सीटा का अटैक जिससे एयर इंडिया के 45 लाख कस्टमर्स का डाटा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।